SSC GD फर्स्ट जो शिफ्ट होने वाला है 11 तारीख का, वो छूटने ही वाला है। और पहुंच चुके हैं यहाँ पे एग्ज़ाम रिव्यू लेने के लिए। देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, भीड़ तो रोजाना ही रहेगी, ठंड बहुत है। तो जैसे ही एग्ज़ाम छूटेगा मैं आपको अच्छा सच्चा रिव्यू डालने की कोशिश करता हूँ। ये SSC GD का फर्स्ट शिफ्ट का देखे आया 11 तारीख। भाई बताओ कैसा आया पेपर? पेपर बढ़िया आ रहा है। हाँ, मैथ कैसी आई भाई? मैथ भी बढ़िया आ रही है। एक ही नहीं बन रहा था, बाकी सब बन रहे थे। गाइस, अब कौन कौन सा टॉपिक से पूछा था भाई? मेंस्ट्रुएशन से भी आ रहा है। हाँ। बेलन वगैरह, शंकु वगैरह। अच्छा भाई, हाँ बता दे। CISI से भी आ रहे हैं, डिस्काउंट से भी आ रहे हैं। अच्छा, एडवांस थी? एडवांस थी ना। अच्छा, एडवांस में वही तो आता है। हाँ हाँ, सॉरी, ये इंग्लिश अटेम्प्ट करा था कि हिंदी किया था मैंने। हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे भाई? हिंदी में भी बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ सब करने लायक आ रहे हैं। जीएस भर थोड़ा दो चार क्वेश्चन मिले। जीएस कहाँ से टच करा था? जीएस मतलब दो लेटेस्ट 2022 था कि और भी इससे पहले का पूछा है? पहले का भी पूछ रहा है। अच्छा, कितने क्वेश्चन थे? 2017-18 का छुआ था क्या कोई? 17-18 नहीं था, लेकिन आज के में। अच्छा, नहीं था। अच्छा, हिस्ट्री से कि ज्योग्राफी से किससे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे? हिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन मिल रहा है, और ज्योग्राफी से भी एक आध क्वेश्चन मिल रहा है, साइंस से मिल रहे हैं दो तीन क्वेश्चन। मॉडरेट तक है, इजी इजी था। वह है, कैसा आया था? मैथ कैसी आई भाई जी? सरल थी, बिल्कुल इजी थी। कौन कौन से टॉपिक टच करे थे? टॉपिक आपका परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस था, मेंसुरेशन था, एलसीएम और नंबर सिस्टम। मॉडरेट था कि इजी था? इजी था। और हिंदी टच करे थे कि इंग्लिश? थोड़ा ठीक थी, मतलब अटेम्प्ट कौन सा करा था? हमने ऑल अटेम्प्ट किया। नहीं, हिंदी करे थे कि इंग्लिश? हिंदी लिया था। हिंदी। हिंदी में कैसे आए थे भाई जी? हिंदी ठीक थी, मतलब थोड़ा मॉडरेट थी। और करंट अफेयर्स भाई जी? हाँ, जेएस तो जैसी चल रही वैसी सारी शिफ्ट थी। हाँ, रीजनिंग मैथ बढ़िया था, फिर अपना अपना फेवरेट सब्जेक्ट। ये बताए भाई, बताओ कैसा आया था पेपर? पेपर एकदम इजी आया था, एकदम इजी। जीएस तो एकदम नॉर्मल थे, जीएस के क्वेश्चन बहुत आसान थे। लेकिन कुछ बताओ स्पोर्ट्स वाला? पूरे टाइम मतलब उतने टाइम में हो नहीं पाया पूरे क्वेश्चन। स्पोर्ट्स में आए थे ये जो फीफा हुआ था कतर में, हाँ, तो मतलब इसका एक क्वेश्चन आया था कि ये वाला गेम कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, तो 2022 वाला। हाँ, तो मतलब इसका आंसर तो वो था कतर था। और आखिरी आर्टिकल आया था, लास्ट आर्टिकल। और हिस्ट्री से ज़्यादा था कि ज्योग्राफी से? हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन आए थे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे इस बार। अच्छा, इस बार? हाँ। और मैथ कैसी आई भाई? मैथ एकदम नॉर्मल, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन मतलब ये जो होता है टाइम मतलब उतने टाइम में हुआ नहीं क्वेश्चन पूरे। ऐसा है क्या? टाइम कम था? हाँ, टाइम कम था, एक घंटे टाइम कम थे उस, मतलब उतने क्वेश्चन। और रीजनिंग भाई? रीजनिंग सब आसान था, मतलब ये जानिए कि रीजनिंग के 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन थोड़े हार्ड कर दिए थे, बाकी क्वेश्चन एकदम नॉर्मल थे। कुछ सजेशन देना चाहते हो जो नेक्स्ट टाइम अभी अटेम्प्ट करेंगे? वो ऐसा करें कि मतलब जो कुछ उन्होंने पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन करें, और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करने की मतलब अपनी कोशिश करें। थैंक यू। और यार, कैसा आया था पेपर SSC? पेपर रीजनिंग में तो सरल था, पर सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत कठिन थे। सीरीज वाले कैसे थे? सीरीज मतलब लॉन्ग आया, मतलब ज़्यादा टाइम लग गया सीरीज में। अच्छा, रीजनिंग में ना भाई? हाँ, रीजनिंग में। और ब्लड रिलेशन जैसे कोई? ब्लड रिलेशन से एक सवाल आया था मार्क्स से। मॉडरेट तक इजी आया? इजी था, ब्लड रिलेशन से इजी था सवाल। जीएस कैसे आए थे भाई? जीएस मतलब हिस्ट्री के 11 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री के? हाँ, करंट के 2-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, और मैथ भाई? मैथ के मतलब मैथ के आगे 4-5 सवाल तो कठिन थे, पीछे भी जी थे बहुत। अच्छा, किससे पूछा था यार? पूछो, बताओ उसको याद नहीं, थोड़ा सा नहीं आया, बताओ। चार एडवांस कितना पूछा था भाई? एडवांस 2-3 सवाल थे बस। 2-3 सवाल थे एडवांस के। और कोई क्वेश्चन याद है यार? हिस्ट्री में कुछ याद है हिस्ट्री से?